अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे वीडियो इज नलिनी हारी। आज मैं आपको नलिनी हारी की रेसिपी बताऊंगी। उसमें सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता दूं। ऑयल मैंने आपके सामने रखा हुआ है, कनोला का यूज़ कर रही हूँ, निहारी शान का मसाला। शान के मसाले बहुत बेस्ट होते हैं, बहुत ज़बरदस्त मिलते हैं खाना हमेशा। लहसुन अदरक का पेस्ट है, अच्छा ये इसमें नहीं लिखा होता, हम खुद से ऐड कर रहे हैं। लहसुन अदरक का एडिशन में डालते हैं, इससे एक तो स्मेल भी अच्छी आती है और दूसरी स्मेल भी चली जाती है। खैर, इसके बाद जो गार्निश की चीज़ें लास्ट में आती है उसमें प्याज है हमारे पास। प्याज का हमने बघाड़ लगाना है और हमारी ज़बान में कहते हैं तड़का लगाना है। और हरी मिर्च है हमारे पास, लेमन है, यानी कि लीमू और अदरक, ये हमने गार्निश करनी है। यहाँ पे जो है मेरी बहन बड़ा तंग कर रही थी। खैर, जिनको स्पाइसी पसंद हो वो मेरी तरह मसाले और ऐड कर सकते हैं। मैंने जो है 1 kg गोंग का गोश्त, यानी कि 1 किलो गोंग का गोश्त और 1 किलो ही हड्डियाँ हैं। स्टार्ट करते हैं। 1 कप ऑयल डालेंगे इसमें। आप लोग जिसको अंदाज़ा 1 कप का हो जाए वो ऐसे ही डालते रहते के मैं डाल दूँ इस टाइम पे। और जो फिर लहसुन अदरक का पेस्ट है वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी पूरा डाल के, और उसको हल्का सा हम फ्राई करेंगे, लाइट सा बिल्कुल फ्राई करेंगे, तो कलर चेंज होगा। इसमें जो है हम अपना गोश्त जो है डाल देंगे, जैसे कि मैं डाल रही हूँ इतनी बड़ी बड़ी हड्डियाँ, ओ माय गॉड। खैर, हमने नली निहारी का बनानी है तो इसमें से निकालना है, इसलिए हम सारा डालेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स वेल करने के बाद मिक्स करके इसको हम थोड़ी देर फ्राई होने रख देंगे, देखिए भूनने। जब इसका कलर चेंज होगा तो हम इसमें जो शान का मसाला है उसकी एडिशन करेंगे, अच्छे तरीके से पूरा डाल देंगे। और जो मैंने मसाले रखे हुए थे वो इसमें मैं डालूंगी और इसको मिक्स करना स्टार्ट करूंगी। और अब जो है इसको मैं भूनने रख दूंगी। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट आटा। आटा मैं बताना भूल गई थी, 1 कप आपने आटा लेना है। खैर, हम अपने सालन की तरफ चलते हैं, इसको देखते हैं, वो अच्छे से भुन चुका है हमारा। इसमें जो है अब हम, जब ये भुन गया है पूरा, हमने देख लिया इसकी हड्डियाँ वगैरह जो हैं अच्छे से भुन चुकी हैं, तो इसमें हम पानी डालेंगे। मैंने जो है 10 ग्लास पानी के इसमें शामिल करे हैं, वैसे जो जितना लिखा हो क्वान्टिटी उतने हिसाब से आप रख सकते हैं। खैर, वो अब पकता रहेगा, इतने में मैं जो है आटा जो है मैं तवे पर जो है हल्का सा भून लूँगी। जैसे इसका कलर चेंज होगा, जैसे देख आप लोग कलर चेंज हुआ, इसको मैं उतार लूँगी। जब लाइट से धीमी सी खुशबू आने लगे तो इसको उतार लीजिए। अच्छा, इधर जो है मैंने हड्डियाँ निकाल के इसमें से जो है गूदा निकाल लिया था, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, सारा मैं गूदा निकाल चुकी हूँ। तो हड्डियाँ आप हमने वेस्ट कर देनी है और इस गूदे को जो है हमने निहारी में शामिल कर देना है, बिकॉज दिस इज़ अनली निहारी रेसिपी। सो नेक्स्ट स्टेप में हमने जो है आटे में पानी डालना है और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि इसकी गुटलियाँ वगैरह ना बने, और इसको जो है हमने पतला करके निहारी में शामिल करते रहना है। और शामिल करते हुए जब हम डाल रहे होंगे तो एक हाथ से हम अपने चम्मच को हिलाते रहेंगे, झुलाते रहेंगे और दूसरी तरफ से डालते रहेंगे। अब ये हमारी डन हो चुकी है, ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। इसमें हमने अब तड़का लगाना है, मतलब हमने प्याज फ्राई करे ऑयल में और इसके बघाड़ लगा दिया। ओह, क्या स्पार्किंग सी आवाज़ है। खैर, ये हमारी डन हो चुकी है, अब हमने इसकी प्रेजेंटेशन करनी है, आपके सामने आ चुकी है। हमने बॉल में डाल दिया और इसमें हम जो है अब कटी हुई अदरक की गार्निश करेंगे, कटी हुई अदरक मतलब जूलियन कट करेंगे अदरक को, जिंजर को, और उसके अंदर ऊपर हरी मिर्च रखेंगे बारीक बारीक कटी हुई, और लेमन रख कर ये आपके सामने हमने पेश कर दिया। इसको मज़े मज़े से बनाएं और खाएं, जैसे कि मैंने बनाई और अब मैं खाने लगी हूँ इसको। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।